हम चाहेंगे माननीय मुख्य अतिथि जी भी कहीं जाएंगे, इस वजह से कार्यक्रम में थोड़ा सा प्रगति और मौसम भी खराब होने के नाते अब मंच की तरफ हम अग्रसर होंगे। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, कलाकार बंधुओं, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर नवयुवक मंगल दल द्वारा, लोक मंगल दल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस आयोजन में करीब करीब पूरे जौनपुर जिले के वो सारे व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं अपनी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन बहुत बखूबी से इस समाज में कर रहे हैं। आज आप लोगों ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया, ये आपके पूरे जनपद के क्रीम हैं, ये आपके सक्रिय कार्यकर्ताओं, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं जिनको देश समाज राष्ट्र की चिंता है, जिन्हें देश के लोकतंत्र की चिंता है, जिन्हें सामाजिक न्याय की चिंता है, जिन्हें शोषितों और वंचितों की चिंता है, जिन्हें बुद्ध, अशोक और बाबा साहब के दर्शन की चिंता है और उस पे उनके विचार और कर्म को आगे ले चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का आज आपने यहाँ सम्मान किया और हम भी कुछ लोगों को सम्मानित किए, तो मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा मैं भी अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये सम्मान की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन ये वो नींव के पत्थर हैं जो शांत भाव से समाज में काम करते हैं और ये वो लोग हैं, जो झाड़ झंकाड़ काटते हैं, जो खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं और कदाचित ये वो लोग नहीं हैं जिसे हम राजनेता कहते हैं कि जो फसल काट ले जाते हैं, इसलिए शायद ये समाज में उतने प्रतिष्ठा और मान वाले नहीं होते हैं जितना कि राजनेता हो जाते हैं। लेकिन आप लोग नींव के पत्थर हैं, समाज के निर्माण में लगे हुए हैं और जब समाज निर्माण की प्रक्रिया में होता है तो हजारों नौजवानों को, युवकों को, चिंतकों को, बुद्धिजीवियों को अपना योगदान देना पड़ता है। जौनपुर जनपद के ऐसे ही लोग आज मेरे सामने उपस्थित हैं और मैं उनके बीच आया हूं, मैं अपने को बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाई संजय मौर्य जी, अभी बहन पूनम मौर्य जी कह रही थी कि ये वास्को डिगामा है, ये सिर्फ टहलने वाले ही वास्को डिगामा नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान के बहुत बड़े वास्को डिगामा है और कोई ऐसा ज्ञान का कोना नहीं है जिसको कि ये टटोले न हो, और जहाँ से इन्होंने कुछ मोती और रत्न निकाल करके और उसको बड़े बखूबी से समाज के सामने रखते हैं। इनकी पीड़ा है, इनका दर्द है कि हमारा समाज जगे, ये नौजवान जो शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जो हजारों साल से शिक्षा से, समृद्धि से, सत्ता से वंचित रहे हैं, वो लोग जगे, ये इनकी चिंता है और इसी चिंता में वो वास्को डिगामा बन गए हैं और निश्चित रूप से वास्को डिगामा की ये खोज आगे बढ़ेगी और कुछ ही रत्न खोजेंगे कि आगे देश का नेतृत्व और भाग्य संभालेंगे, इन्हीं में से हो सकता है चंद्रगुप्त पैदा हो, अशोक पैदा हो और आगे देश का।
मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग जो बातें कहते हैं, हमारा संविधान है। निश्चित रूप से संविधान हमारा बहुत कठिन संघर्ष के बाद मिला है। कठिन संघर्ष के बाद इसलिए मिला है कि अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस आजादी की लड़ाई में दो प्रकार की लड़ाई थी। एक लड़ाई तो अंग्रेजों को भगाने की थी और एक लड़ाई वो लड़ाई थी जो ऐसा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण चाह रहे थे, एक ऐसी व्यवस्था चाह रहे थे, एक ऐसा संविधान चाह रहे थे जिसमें इस देश के जो शोषित वंचित रहे हैं हजारों साल से, उनको शिक्षा समृद्धि मिल सके, राजपाट मिल सके, शासन सत्ता में भागीदारी मिल सके। और सदियों से जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का प्रतिकार हो सके। तो संविधान तो लागू हो गया, हमें अधिकार भी मिल गए, लेकिन आज जिस मुकाम पर यह संविधान है, आज बहुत कुछ ऐसे ढंग से छीन लिया जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा है, कोई आक्रोश भी नहीं हो रहा है और छीना चला जा रहा है। आज इस देश में आरक्षण का क्या हाल है आप लोगों ने देख लिया कि अभी बहन पूनम मौर्या जी 10% सवर्ण आरक्षण की बात कर रही थी, ये उन्होंने लागू कर दिया जबकि ये गैर संवैधानिक व्यवस्था है और इन्होंने संविधान में संशोधन करके उसे लागू कर दिया। और सबसे बड़ी बातें तो उन्होंने की कि अभी जो आरक्षण की सीमा में बैकवर्ड को 27%, एससी एसटी को 23% थी, कुल 50% की वो सीमा थी जिसमें सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोग आते थे, लेकिन जो मेरिट में आते थे वो उस 50% की सीमा के बाहर जो शेष अनारक्षित वर्ग था उसमें आ जाते थे। लेकिन ऐसी ऐसी व्याख्याएं कर दी गई, ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए कि अब 50% की सीमा में ही एससी एसटी और ओबीसी रहेंगे। अगर आपका लड़का अपने फॉर्म में ओबीसी कैटेगरी डाल दिया तो अनारक्षित वर्ग में चाहे जितनी मेरिट हो, चाहे पूरे परीक्षा का टॉपर हो, लेकिन वो अनारक्षित वर्ग में नहीं आएगा। अभी संजय मौर्या जैसे कितने लोग हैं जो घर द्वार छोड़ करके, कष्ट सह करके, पूरे देश का भ्रमण करके इस ढंग से लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, निश्चित रूप से उन विश्वविद्यालयों में तमाम हमारे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जो इस जगाने के काम में लगे हुए थे। अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि भारत की किसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज आप जानते हैं कि एक ज्ञान का उत्पादन केंद्र है और ज्ञान का शोध का केंद्र है, उत्पादन का केंद्र है। उस यूनिवर्सिटी में अब एससी एसटी और ओबीसी के शायद ही कोई लोग नियुक्ति पाए। अभी उन्होंने प्राविधान कर दिया कि विभागवार पदों की गणना होगी और एक 13 पॉइंट का रोस्टर जारी कर लिया। अब चूंकि यह इतना टेढ़ा विषय है कि जो आम लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इससे सरोकार नहीं रहता, अब उनको इसकी गंभीरता नहीं मालूम हो रही है, अब उनको गंभीरता मालूम होगी। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद पूरे देश की यूनिवर्सिटी में एक भी बैकवर्ड एससी और एसटी का असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जब ज्ञान के उत्पादन के केंद्र पर ही नहीं होंगे, स्रोत पर ही नहीं होंगे, तो आपको जो सिलेबस परोसा जाएगा, जो बात परोसी जाएगी, वही आप करेंगे, वही सुनेंगे, वही पढ़ेंगे और वैसा ही सोचेंगे। और आज ये देश सदियों से 3% लोगों के वर्चस्व का नहीं रहा है। हमारे सामने तमाम इतिहास के पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बहुत सुनते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बड़ी आलोचना की जाती है, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पढ़े लिखे आप लोग विद्वान लोग हैं, कि जब इस देश में 100 साल पुष्यमित्र शुंग को छोड़कर कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा ही नहीं हुआ तो वर्ण व्यवस्था लागू किसने की? इस देश में थियरी में, इनकी किताबों में भले वर्ण व्यवस्था रही हो, लेकिन इनकी औकात नहीं थी कि ये वर्ण व्यवस्था लागू कर सकते।
क्या महापद्मनंद बाढ़ व्यवस्था लागू करेगा जो जैन धर्म का अनुयायी थे? क्या मौर्य बाढ़ व्यवस्था लागू करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य खुद जैन धर्म का अनुयायी था, उसका पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था, अशोक से लेकर बाकी जितने लोग थे सब बौद्ध धर्मानुयायी थे। पुष्यमित्र सुंग थोड़े समय के लिए आया, उसके बाद कनिष्क इतना बड़ा राजा हुआ, उसके बाद गुप्त राजा हुए। गुप्तों के बारे में जानते आज तक इतिहास के पन्नों में ये तक नहीं साबित हो सके कि वो किस वर्ण के थे। और हमारे देश में इतिहासकारों को विशेष रूप से ये मनवादी वर्णवादी जो इतिहासकार हैं इनको बहुत बड़ी बीमारी है कि ये हर राजा का वर्ण जरूर ढूंढते हैं, जैसे बिना वर्ण के इस देश में किसी का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रक्रिया में अशोक का वर्ण ढूंढते हैं, इसी प्रक्रिया में महापद्मनंद का वर्ण ढूंढते हैं, इसी प्रक्रिया में चंद्रगुप्त का भी वर्ण ढूंढते हैं। लेकिन जो लोग समतावादी सोच के थे, संस्कृत थे के थे, उनका कोई वर्ण नहीं हुआ करता है और ना उस वर्ण व्यवस्था के मानने वाले थे। ये वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं कि गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का काल आया। एक बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि गुप्त राजाओं का आज तक एक तो वर्ण नहीं साबित हो पाया कि वो किस वर्ण के थे। पहली बात मैं कहता हूं कि जबरदस्ती किसी का वर्ण क्यों ढूंढते हो भाई, इस देश के शासक थे, क्या ये पर्याप्त नहीं है? और इस देश का जो शासक होगा वो समतावादी सोच का होगा। और गुप्त राजाओं ने, जैसे सारे राजा महाराजा होते हैं, ब्राह्मण आया उसकी भी जय, बौद्ध आया उसकी भी जय, जैन आया उसकी भी जय। आप देखिए कि तमाम गुप्त राजा ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध विहारों का निर्माण किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के बाद आया, जो इस देश का विक्रमादित्य कहा जाता है, और उसका जो सेनापति था वो बौद्ध था, और समुद्रगुप्त के लड़का जो बालादित्य था उसका गुरु वसुबंध था, जो उसका गुरु था। और वसुबंध को खुश हो करके समुद्रगुप्त ने अयोध्या में बहुत बड़ी जमीन दान दे दिया था, पैसा दान दे दिया था, जिससे बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनवाया। और अंत में बालादित्य भिक्षु हो गया। तमाम गुप्त राजा ऐसे थे, श्रारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर में बौद्ध विहारों का निर्माण कराया तमाम जगहों पर। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश में समतावादी सोच चली, बुद्ध की सोच चली, और हर्षवर्धन तक और उधर पाल वंश तक बंगाल में जब तक रहे ये लोग, उस समय उड़ीसा, असम, आपका पूरा बिहार, बंगाल और नेपाल की तराई तक ये पाल वंश में था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश इन क्षेत्रों में रहा। और आप सभी जानते हैं कि पाल वंश बौद्ध धर्मानुयायी थे और वही लोग थे जिन्होंने नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की, जिसको आज इतिहासकार बौद्ध महाविहार न कह करके विश्वविद्यालय कहते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है बौद्ध महाविहार कहने में, जबकि ये महाविहार थे। तो मित्रों, मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश का जो समतावादी सोच रही है, समतावादी संस्कृति रही है, यही इस देश की मूल संस्कृति रही है। राजपूत काल से इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था लागू करने की चेष्टा की और 200 सालों में ये देश पूरा तहस नहस हो गया, हजारों टुकड़ों में ये देश बट गया। और हजारों टुकड़ों में देश बटने का अर्थ कि ये देश लंबे समय तक गुलाम रहा। चूंकि समय बहुत हो गया है, बहुत सी चीजें नहीं कही जा सकती, मैं सिर्फ यहाँ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो अशोक ने, जैसा कि संजय भाई ने कहा कि जो संविधान लागू किया था समता का, अशोक एक ऐसा राजा है पहली बार व्यवहार समता और दंड समता, यानी दीवानी नियम और क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ जिसे कहेंगे, वकील साहब लोग समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं, तो ये दोनों लॉ में समता बरतने का काम किया। मिली जुली संस्कृत का ये देश है। यद्यपि उस समय ब्राह्मण बहुत मजबूत नहीं थे,
बौद्ध धर्म का बोलबाला था, आजीवक धर्म का बोलबाला था, जैन धर्म का बोलबाला था, ऐसे समय भी ये अशोक की महानता देखिए, वो भारत की संस्कृति को समझता था, कल्चर को समझता था और राष्ट्र का कैसे निर्माण किया जाता है ये बात को समझता है कि राष्ट्र वह होता है जो किसी एक देश की सीमा में रहने वाले सारे लोगों के देवी देवता पोती पत्रा महापुरुष विचार सबको लेकर के राष्ट्र बनता है। इसीलिए अशोक के चाहे जितने शिलालेख को आप देखिए सभी शिलालेखों में उसने ब्राह्मण और श्रमणों की इज्जत की बात कही है। तो ऐसी महान परंपरा भारत की रही है जिससे यह राष्ट्र बना है, समता से यह राष्ट्र बना है, सबको ले मिलजुल करके रहने से मिली जुली संस्कृति से राष्ट्र बना है और स्वतंत्रता के बाद वही चीज हमारे इस देश में भारतीय संविधान द्वारा लागू की गई है। और भारत संविधान का जो हमारा ये गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सेकुलर जो स्वरूप है, इस सेकुलर स्वरूप का अर्थ ही हुआ कि देश की सीमा में जितने रहने वाले देवी देवता महापुरुष जितने लोग हैं सबसे ये देश बनता है। ये देश राम से बनता है, कृष्ण से बनता है, तो ये देश बुद्ध से भी बनता है, कबीर से भी बनता है, नानक से भी बनता है, रैदास से भी बनता है और ये सूफी संतों से भी बनता है, ये अगर क्रिश्चियन के भी कोई देवी देवता साधु संत है तो उनसे भी देश बनता है। सब मिलाकर के इस देश की सीमाओं में रहने वाले जितने लोग हैं सबसे देश बनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कुछ ताकतें ऐसी है जो इस देश में भारतीय संस्कृति की राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषा कर रही है, लगता है कि 3% लोगों की विचारधारा ही राष्ट्र है और बाकी जो 97% की जो समतावादी विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो कबीर की विचारधारा है, जो आजीविकों की विचारधारा है, जो श्रवण विचारधारा है, वो इस देश की विचारधारा ही नहीं है। लेकिन ये समझना हम लोगों को है। लेकिन दुर्भाग्य है अभी पूनम मौर्य जी कुछ बातें आपके सामने कह रही थी, बात में ना मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि हमारे सामने जौनपुर के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब हम इस देश में 85% है, हम इस देश में 90% है, तो आज देश की सत्ता के लिए क्यों तरस रहे हैं, क्यों केंद्र पर हम अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का बिना हल किए हुए ईरान तुरान की बातें करने से कोई काम इस देश में चलने वाला नहीं है। आज भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस 90% में पूरे देश में जिसमें ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आप बताइए कि अगर ये पूरे देश में दोनों ये पूरे देश में 90% लोग दो दल बना लिए होते तो हमारा प्रतिशत कितना कितना होता भाई, बता दीजिए। मैं सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर दो दल बना लेते तो हमारा वोट परसेंटेज 45-45% होता। जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस ब्राह्मणवाद की मनवाद की सामंतों की जमींदारों की राजाओं की महाराजाओं की शोषकों की दो दल बन गए हैं, वैसे हमारे भी दो दल बन जाते, कभी हम इधर रहते कभी उधर रहते, हमारे भी ये दो भी ये भी टीम होते, लेकिन ये क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? इसमें आंदोलन की कमी नहीं, तमाम आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, लोगों ने योगदान दिया, सामाजिक न्याय के आंदोलन चले, बड़े बड़े आंदोलन चले, लेकिन क्या बात है कि उन सारे आंदोलनों की परिणत ऐसे ऐसे राजनीति को पैदा इस देश में कर रही है जो चंद जातियों और चंद परिवारों में और चंद व्यक्तियों में पूरी राजनीति सिमटती जा रही है। आज इस देश में अगर एक व्यापक राजनीति करने की पहल की जाए तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। और यही कारण है कि बड़े बड़े मूवमेंट चलते हैं, ये मैं पुनः बता दे रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है, यथार्थ है। आज पूरे देश में पिछड़ों का एक नहीं नेता है, एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसको दो पिछड़ों की जातियां कहे कि हम मोहब्बत करते हैं दिल से। आज दलित का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको दो दलितों की जाति या पिछड़ों की जात कहे कि हम मोहब्बत करते हैं। तो इस ढंग से ये जो व्यापक राजनीति बनाने की बात है, इस दिशा में हम समझते हैं कि आप बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ के जौनपुर के बड़े क्रांतिकारी लोग रहे हैं, बड़े दूरदृष्टि वाले विजनरी लोग रहे हैं, तो आप लोग
आप लोग इस दिशा में कोई काम करेंगे और निश्चित रूप से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं ये तो हारेंगी ही, उन्हें इसके चुनाव में हारेंगी, लेकिन इनको हराना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि देश में दिल्ली की कुर्सी पर आप बैठिए, कहां संविधान को खतरा है? हम कहते हैं इनको बदलने दीजिए, जो बदलते हैं। अभी नेपाल में एक सरकार आई हिंदू राष्ट्र बनाई, दूसरी सरकार आई वामपंथी बनाई, तीसरी आई राष्ट्रवादी बनाई, चौथी आई फिर उसको हिंदू हिंदू सब हटा करके एक सेकुलर राष्ट्र की स्थापना कर दी। तो संविधान की रक्षा भी तो आप तभी कर पाएंगे जब दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे, और वो भी बहुमत से पार्लियामेंट में आप बैठेंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब हो पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग अशोक जैसा दिल और अपना दृष्टि रखते, बाबा साहब जैसा दृष्टि रखते, कबीर जैसा दृष्टि रखते, सबको ललकारने का, सबकी आलोचना करने का। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में हमारे जितने पिछड़े और दलित वर्ग के बुद्धिजीवी हैं वो जितना ऊर्जा लगाते हैं इन सांप्रदायिक शक्तियों का, इन सांप्रदायिक शक्तियों का उदय ही क्यों हुआ? एक समय तो बीजेपी 3 सीटों पर थी, आज देश में अपना प्रधानमंत्री क्यों बना लिया? ये हम लोगों के ही कर्मों से बना लिया, क्योंकि हम लोग कोई व्यापक मूवमेंट अगर खड़ा करते हैं तो हमारा सारा मूवमेंट जाकर एक जाति और एक परिवार और एक व्यक्ति पर सीमित हो जाता है। एक जाति, एक परिवार और एक व्यक्ति से ये देश नहीं चलेगा, और जो लोग चलाने का प्रयास करते हैं वास्तव में वही हम लोगों के सबसे बड़े दुश्मन है। और इन दुश्मनों को पहचान करके एक बड़ा आपको कारवां बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ये सब लोग विचार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।